नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर के लालवाड़ी क्षेत्र में एक घर में लगी आग पड़ोसियों ने बुझाई, दमकल विभाग मौके पर नहीं पहुंचा। गणेश प्रतिमा विसर्जन, बेंगलुरु में शराब की बिक्री पर लगा प्रतिबंध। केसेट पंक्ति, हाईकोर्ट सभी याचिकाओं को अनुमति देते हुए रिपोर्ट के लिए 50% और दंड देने की मंजूरी। देश में आज दो हिंदुस्तान, एक कारोबारियों का, दूसरा मजदूर और किसानों का। केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी। झारखंड सरकार पर लगातार हमलावर है बीजेपी सांसद ऋषिकांत, कहा हेमंत सोरेन नहीं, ये व्यक्ति है राज्य का असली सीएम। समाचार विस्तार से। बीदर शहर के वार्ड नंबर 32 लालवाड़ी के निवासी अल्हा बख्श के घर कल रात 11 बजे के आसपास अचानक आग लग गई, जिससे लगभग घर का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई, लेकिन वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, न ही मौके पर पहुंचे। ऐसे में घर के आसपास रहे पड़ोसियों ने आग को बुझाने में मदद की। इस संबंध में पुलिस से शिकायत दर्ज की गई है। संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन संतोष का कवरेज। सिद्धार्थनगर में आग, एक घर में आग लग गई है। ये रात के 11 बजे ये वाकया हुआ है और उसमें फ्रिज, ये लाइट की वजह बताई जा रही है, जैसे कि लाइट आती है और जाती है, उसकी वजह से शॉर्ट आउट हुआ है और आपस में तार टकराने की वजह से फ्रिज में पहले आग लगी, फिर उसके बाद जितना भी सामान रखा था सब जल गया। फ्रिज हो या के कपड़े वगैरह, जितना भी माल नुकसान हुआ है लोगों का, इसमें जान का भी जोखिम हो सकता था, लेकिन मोहल्ले वालों ने आकर यहाँ पर इनकी जान बचाई। और बच्चे भी थे यहाँ पर, छोटे छोटे मासूम से बच्चे थे और लेडीज भी थी, पूरा घर अंदर से बंद हुआ था पड़ोसियों के, और इन्होंने फायर वालों को कॉल की लेकिन फायर वाले कोई नहीं आया। और अभी इस टाइम दिन में आए हैं, रात में 11 बजे कॉल आग लगी थी तो कोई नहीं आया था। यहाँ पर ये बता रहे हैं लोग अपनी समस्या, किस तरीके से इन्होंने जान बचाई है मोहल्ले वालों ने, और ये लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं किस तरीके से इनका सामान फूका है, इनके घर में ये आग लगी है ये बताएंगे। वही कूलर को, ये फ्रिज को आँच लग गई, एकदम करंट आने के बाद दम लोग आँच लग गई। आँच लगने के बाद सब सो गए थे, सोने के बाद क्या मालूम आता आँच बोल के बच्चे पूरा धुआं धुमका रहा, बच्चों को खींचे, फिर पानी माने मैं गया, माँ हमारा बच्चा गया, फिर पूरे बच्चों को बाहर जान बचा के, फिर नहीं हो रहा तो फिर पड़ोसी का बच्चा आके, फिर दो चार पाँच बच्चे आके हमारी जान बचा। पूरा छत पूरा ये हो गया सर, बच्चे थे घर में, ऊपर भी बचे थे, छत पूरा गिरने वाला था, सिलेंडर ला के बाहर फेंक दिया हमारे आजू बाजू वाले, फायर इंजन वाले इनको फ़ोन करे थे लेकिन फिर भी नहीं आए। वो आजू बाजू वाले लड़के जो गणपति स्थान में जो खेल रहे थे वो आकर हमारी जान बचाए। हमारे बच्चे भी आए, आने के बाद सोने को गए, सोने को जाते थे तो 10-15 मिनट में करंट आते धन को फिर उड़ गया, उड़ के आँच लगे, अलमारी विलमारी टी वी थी बड़ी, मोबाइल भी चल गया, पूरा पैसे अलमारी पूरा चल गया। बंद चालू हो रहा था, बंद चालू हो रहा था, वो क्या हो गया फ्रिज में का पूरा वो सरटे को हो गया, वो उड़ गया, वो करंट उड़ गया, तो पूरा बच्चे कच्चे सब अंदर थे, पूरा मैं आँच लग रहा है तो ऐसा दरवाजा खोलने गए तो पूरा आँच लग को पूरा आँच पूरा अंक के ऊपर आ गए, ये देखो पूरा हाथ था गीता सब बच्चे सब अंदर थे, पूरे अलमारियाँ टीविया पलंग गतिया सब जल गए, अंदर क्या भी पैसे क्या भी देश हो सब जल गए, बच्चे बच्चा बच्चे के अंक के ऊपर का सब कैसा गए थे कैसा नहीं थे, गड़बड़ी में एक खींचने जाको गए पूरा। बैंगलोर पुलिस ने शहर के विभिन्न हिस्सों में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के मद्देनजर शनिवार और रविवार 3 और 4 सितंबर को बैंगलोर के कुछ हिस्सों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। बैंगलोर के पुलिस आयुक्त CH प्रताप रेड्डी ने पुलिस आयुक्त की मजिस्ट्रियल शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किया। प्रतिबंध उन जगहों पर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में लगाए जा रहे हैं जिन्हें संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, जहां अगले 2 दिनों में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस निकलने वाले हैं।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट केसेट के छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं को अनुमति दे दी और इस साल सीटी रिपोर्ट्स के लिए 50% अहर्क अंक पीयूसी पर विचार करते हुए मंजूरी दे दी। अदालत ने कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण की अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें रिपोर्ट्स को उनकी सीटी रैंकिंग के मूल्यांकन के लिए केवल 100% सीटी अंक की अनुमति दी गई थी। 2022 सीटी रैंकिंग के पुनर्मूल्यांकन की संभावना। महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के मुद्दे पर दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की हल्ला बोल रैली आयोजित की गई। इस रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी का डर देश में बढ़ता जा रहा है, इस कारण हिंदुस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है, इससे लोग बढ़ते हैं और देश बढ़ता है और देश कमजोर होता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय और नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस एक दूसरी जीएसटी लाना चाहती थी। बीजेपी ने जो जीएसटी लाई उसमें छोटे दुकानदार, मजदूर और छोटे कारोबारियों पर चोट की। स्टेज से बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मगर देश में आज हालात यह है कि चाहेंगे तो भी देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाएगा। देश को रोजगार दो बड़े उद्योगपति नहीं बल्कि छोटे कारोबारी दे सकते हैं, उनकी कमर मोदी जी ने तोड़ दी है। राहुल ने कहा कि आज जो बेरोजगारी दिख रही है वह आगे जाकर और बढ़ेगी। झारखंड में हो रही लड़कियों की हत्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर हो गई है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के देवघर से सांसद निशिकांत दुबे मामलों को लेकर सक्रिय हैं और लगातार ट्वीट करके सरकार और मुख्यमंत्री पर हमला बोल रहे हैं। सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तीनों आरोपियों की नागरिकता को लेकर एनआईए से जांच की मांग की है। बता दें कि दुमका में एक और बच्ची का शव पेड़ से लटका मिलने पर हड़कंप मच गया। बच्ची कथित तौर पर गर्भवती थी और जब उसने आरोपी पर शादी का दबाव बनाया तो उसकी हत्या कर दी गई। वहीं दुमका के एसपी ने मामले की जानकारी देते हुए कहा है कि आरोपी पर आईपीसी की धारा 376 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है, पोस्टमार्टम कर लिया गया है और रिपोर्ट्स का इंतजार है। बीजेपी प्रवक्ता पूनावाला ने कहा कि हल्ला बोल रैली राहुल रिलॉन्चिंग का 5वां सीजन है, इससे पहले 4 सीजन फ्लॉप हो चुके हैं। पूनावाला इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने ममता बनर्जी, केसीआर, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सभी नेता मैं हूं ना मूवी की तर्ज पर काम कर रहे हैं, इन नेताओं की हालत एक अनार पांच बीमार जैसी हो गई है। झारखंड के दुमका हत्याकांड को लेकर अभी भी बयानबाजी का दौर जारी है। इस मामले में अब अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने एक विवादित बयान दिया है। महंत राजू दास ने एक ऐलान किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अंकिता हत्याकांड के आरोपी शाहरुख को जो भी पेट्रोल डालकर आग लगाकर मार देगा उसे 11 लाख का इनाम अपनी ओर से दूंगा। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8483221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहाँ घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियाँ, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहाँ पर हर रंग,
हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आँखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 और 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उमरा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उमरा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उमरा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 0402456786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उमरा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहु उपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल इस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। शिरोमणि अकाली दल के 94 वर्षीय नेता प्रकाश सिंह बादल को बुखार आने के बाद यह स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्था में भर्ती कराया गया है। पार्टी नेता दलजीत सिंह चीमा ने रविवार को बताया कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बादल को शनिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका चिकित्सकीय परीक्षण चल रहा है। पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे बादल को इससे पहले जून में मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय उन्हें गैस्ट्राइटिस और ब्रोंकियल अस्थमा की शिकायत थी।
जम्मू में रात भर बारिश के कारण जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में कई जगहों पर हुए भूस्खलन की वजह से 270 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग रविवार को बंद कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि कैफेटेरिया और मेहद पर पहाड़ों से पत्थर गिरने और भूस्खलन होने के कारण यातायात रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि भूस्खलन की ताज़ा घटनाएं रात भर बारिश के कारण हुई। अधिकारियों के मुताबिक राजमार्ग पर यातायात की बहाली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हर मौसम में खुली रहने वाली यह सड़क कश्मीर को शेष भारत से जोड़ती है। रविवार सुबह 8:30 बजे खत्म हुई 24 घंटे की अवधि में जम्मू में 95.7 मिलीमीटर, उधमपुर में 92.6 मिलीमीटर और कठुआ में 42 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं कटरा में 14 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने केंद्र शासित क्षेत्र में अगले 48 घंटे तक कई जगहों पर बारिश होने की आशंका जताई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना शेख 5 सितंबर को भारत दौरे पर आने वाली हैं। इससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के लिए बोझ बन गए हैं। हसीना ने कहा कि उन्हें ये उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस मामले में खास भूमिका निभा सकते हैं। शेख हसीना सोमवार से 4 दिन के दौरे पर भारत आ रही हैं। वे इस दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अपने भारत दौरे से पहले उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को एक इंटरव्यू के माध्यम से साझा किया है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर कहा कि हमारे लिए यह एक बड़ा बोझ है। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदायों और अपने पड़ोसी देशों के साथ परामर्श कर रहे हैं जिससे रोहिंग्या घर वापस जा सके। हम रोहिंग्याओं को आश्रय दे रहे हैं, सभी चीज उपलब्ध करा रहे हैं। हसीना ने कहा कि हमने कोविड के दौरान उन्हें वैक्सीन भी उपलब्ध कराई गई। लेकिन सवाल यह है कि वे यहां कब तक रहेंगे। कुछ लोग ड्रग्स की तस्करी, महिला तस्करी में लिप्त हैं। वे जितनी जल्दी अपने घर वापस जाएं वो हमारे देश के लिए और म्यांमार के लिए है। एक नज़र फिल्मों के समाचारों पर। ऋषि कपूर को याद कर इमोशनल हुई नीतू कपूर, जन्मदिन पर शेयर की थ्रोबैक फोटोज। अब समाचार खेल जगत की। हार्दिक पांड्या वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ वन मैन आर्मी बन जाते हैं हार्दिक पांड्या। अंत में समाचार बाजार की। ट्विटर ने भारत में बंद किए 45,000 से अधिक खाते, रिपोर्ट में दी गई जानकारी। फिर से एक नज़र मुख्य समाचारों पर। बीदर के लालवाड़ी क्षेत्र में एक घर में लगी आग पड़ोसियों ने बुझाई, दमकल विभाग मौके पर नहीं पहुंचा। गणेश प्रतिमा विसर्जन, बेंगलुरु में शराब की बिक्री पर लगा प्रतिबंध। केसेट पंक्ति, हाईकोर्ट सभी याचिकाओं को अनुमति देते हुए रिपोर्ट के लिए 50% अहर अंक देने की मंजूरी। देश में आज दो हिंदुस्तान, एक कारोबारियों का, दूसरा मजदूर और किसानों का। केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी। झारखंड सरकार पर लगातार हमलावर है बीजेपी सांसद ऋषिकांत, कहा हेमंत सोरेन नहीं, ये व्यक्ति है राज्य का असली सीएम। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।